गुड मॉर्निंग गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छतगण, जीवन में यदि आपको सफल होना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कठिन से कठिन स्थितियों में भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना सब्र, धैर्य, आत्मविश्वास कायम रखना होगा। उसे कभी भी डिगने ना दें और हमेशा पेशेंस से काम लें। छतगण, सहन शक्ति एक ऐसी चीज है जो कि दिखती तो नहीं है लेकिन आगे चल करके बहुत पे करती है, बहुत ज्यादा आपके जीवन में यह महत्व रखती है। इसलिए छतगण, अपने जीवन में इस चीज को जरूर अपनाएं, इस चीज को जरूर महत्व दें और हमेशा धैर्य का साथ कभी भी ना छोड़ें। छतगण, दबाव में, मुश्किलों में, कठिन परिस्थितियों में घबरा जाना, आत्मसमर्पण कर देना, गलत कदम उठा लेना, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखिएगा, असफलताएं ही सफलता की जननी हैं। पूरे विश्व में जितने भी सफल व्यक्तित्वों का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, वो अपने प्रारंभिक दौर में बहुत ही असफल रहे थे लेकिन जब उन्होंने सफलता प्राप्त की तो एक लंबी रेखा खींच दी जो कि इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करता है। इसलिए छतगण, जीवन में भी आपको यही चीजों का सहारा लेना है, धैर्य बनाए रखना है, मुस्कुराते रहना है और मुस्कुरा के गमों को झेलने का एक जीवन में जो है नियमित अपने आप को जो है एक ऐसा जीवन शैली जीना है जिसकी लोग मिसाल दें। छतगण, इन्हीं सब सकारात्मक बातों के साथ आज मैं कक्षाओं की शुरुआत कर रहा हूं। विजयनगर साम्राज्य में कल हम लोगों ने तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को जो हुआ था, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पराभव हो गया। दक्षिण भारत की 4 शक्तियां इसमें शामिल थी, अली आदिल शाह के नेतृत्व में, ये सब हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजवंश अलविडु वंश के बारे में। हेडिंग बनेगा शायद अपने नोट्स कॉपी में, अलविडु वंश लिखे। यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था, अंतिम राजवंश था। इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। इनवाइट कॉमा अंडरलाइन छापे गए। तिरुमल ने की थी। इसने हम्पी के स्थान पर पेनुकोंडा को विजयनगर साम्राज्य की नई राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, अलविडु वंश के अंतिम शासक एवं विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक रंगा ठड थे। छतगण, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों का स्मरण करें, एक एक चीजों को याद रखें। छतगण, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? अलविडु वंश था। अलविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने की थी। तिरुमल ने हम्पी के स्थान पर विजयनगर साम्राज्य की नई राजधानी किसे बनाया था? पेनुकोंडा को बनाया था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय था,
और अरविडु वंश का भी अंतिम शासक था रंगा तृतीय, इसे भी याद रखना है छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, है ना। अब हेडिंग बनाएगा छात्रगण, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन लिखिए। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहते थे, सभा नायक कहते थे। नेक्स्ट, सेना नायकों को नायक कहा जाता था, नायक कहा जाता था। नेक्स्ट, नायकों को वेतन के बदले सेना का खर्च वहन करने के लिए भूमि का एक हिस्सा दिया जाता था, ऐसे भूमि को अमरम कहते थे। अमरम कहते थे, कहते थे। नेक्स्ट, सैन्य विभाग को कंडाचार कहते थे, कंडाचार कहते थे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में दो प्रकार की व्यवस्था प्रशासन में प्रचलित थी, विजयनगर साम्राज्य में दो प्रकार की व्यवस्था प्रशासन में प्रचलित थी। नंबर एक, आयंगर व्यवस्था, आ चुका है क्वेश्चन छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है आयंगर व्यवस्था। देखिए, इसके तहत 12 प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गांव का शासन चलाया जाता था, जिसे आयंगर व्यवस्था कहते थे, कहते थे। नेक्स्ट, नंबर दो, नायंकर व्यवस्था, नायंकर व्यवस्था। लिखिए, विजयनगर साम्राज्य में, साम्राज्य में सेनापति अर्थात सेना का नेतृत्व करने वाले को नायक कहते थे, थे। तथा सैन्य व्यवस्था को नायंकर व्यवस्था कहा जाता था, नायंकर व्यवस्था
कहा जाता था, कहा जाता था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व या लगान की दर 1/6 थी, 1/6, 1/6 थी। नेक्स्ट, विधवा विवाह पर कर नहीं लिया जाता था, विधवा विवाह पर कर नहीं लिया जाता था, परंतु विवाह पर कर लिया जाता था, कर लिया जाता था। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने विवाह कर को, कृष्णदेव राय ने विवाह कर को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया, नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में विशिष्ट जनों को विशेष सेवाओं के तहत उंबली नामक लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट, दास प्रथा प्रचलित थी, प्रचलित थी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का विभाजन प्रांत अर्थात मंडल कौमा जिला कोट्टम या वलनाडु, कोट्टम या वलनाडु कोट्टम या वलनाडु मेलाग्राम अर्थात 50 गांवों का समूह जिसे नाडू कहा जाता था, तथा उद गांव को कहा जाता था, गांव को कहा जाता था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में पुलिस पदाधिकारियों को वेतन वेतन वेश्याओं से लिए जाने वाले कर से
दिया जाता था। लिए जाने वाले कर से दिया जाता था। छतगन, यह है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, जिसके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को आपको ध्यान देना है, आपको मनन करना है, आपको अध्ययन करना है और एक एक चीजों को गौर करना होगा, याद रखना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो दिक्कत न हो। छतगन, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक तंत्र जो था वो राजतंत्रात्मक था। छतगन, राजा के बाद उसके वंश के ही व्यक्ति अगले उत्तराधिकारी बनते थे, इसलिए राजा सर्वोच्च था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। छतगन, विजयनगर साम्राज्य में दो व्यवस्थाएं काफी प्रचलित थी, एक थी आयंगर व्यवस्था, दूसरी थी नायंगर व्यवस्था। छतगन, आयंगर व्यवस्था क्या थी? गांव का शासन चलाने के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता था, इसे ही आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। 12 व्यक्तियों का एक समूह गांव का शासन चलाता था, इसे कौन सी व्यवस्था कहते थे? छतगन, आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, नायंकर व्यवस्था क्या थी? सैनिकों के सर्वोच्च अधिकारी को नायक कहा जाता था। सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी छतगन, जिसे अमरम कहा जाता था, और इस व्यवस्था को नायंकर व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। यह एक सैन्य प्रणाली थी, है ना, जिसके तहत सैनिकों और उसके सर्वोच्च सेनापति की नियुक्ति की जाती थी और उन्हें वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जिससे वह सैन्य संचालन की कार्रवाई कर सके, इसे ही नायंकर व्यवस्था कहा जाता था और सेनापति को नायक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, विजयनगर साम्राज्य में जो सैन्य विभाग था उसे कंडाचार के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में जो बांटा गया है छतगन, प्रांत, जिसे कि संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता था, कोट्टम या वलनाडु जिला कहलाता था छतगन, नाडु 50 गांवों का समूह कहलाता था और उर ग्राम कहलाता था। ये क्वेश्चन भी छतगन आता है। तो प्रांतों को क्या कहते थे छतगन? मंडल। जिले को क्या कहते थे? कोट्टम या वलनाडु। 50 गांवों के समूह को क्या कहते थे छतगन, है ना, नाडु, मेला ग्राम भी कहा जाता था, और गांव को उर कहा जाता था। यह भी आपको छतगन ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए आपको जितनी भी बातें लिखाई गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे आप ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में जो वेतन दिया जाता था, विशेष तौर पर पुलिस पदाधिकारियों को जो वेतन मिलता था, वह वेश्याओं अर्थात गणिकाओं से जो टैक्स प्राप्त होती थी, आय प्राप्त होती थी, कर प्राप्त होता था, उसी से दिया जाता था। यह यूपीएससी से लेकर हर जगह क्वेश्चन पूछ चुका है छतगन, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, है ना। पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य में पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों को वेतन कहां से दिया जाता था? नंबर एक, राजकोष से। नंबर दो, भू राजस्व या लगान से। नंबर तीन, वेश्याओं से प्राप्त आय से। नंबर चार, इनमें से कोई नहीं, तो वेश्याओं से प्राप्त आय से या वेश्याओं से प्राप्त कर से यह दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, चूंकि यूनिक क्वेश्चन है छात्रगण, वेश्याओं से, गणिकाओं से जो टैक्स लेती थी सरकार, उससे वह वेतन किसे देती थी? पुलिस पदाधिकारियों को वेतन देती थी। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसे ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा और एक एक बातों को छतगन स्मरण करना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं दिक्कत ना हो, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। छतगन, दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर, लगान की दर कितनी थी? 1/6 थी छतगन। ये क्वेश्चन भी कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, है ना। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो 1/6 थी,
1/6 थी विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर 1/6 थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। अब हेडिंग बनाइएगा छात्रगण, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था व्यवस्था लिखिए, विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को राजा की अंगरक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट, मनुष्य के क्रय विक्रय, मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्वाग कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है छात्रगण, मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्वाग कहा जाता था, कहा जाता था। नेक्स्ट, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था, देवदासी कहा जाता था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य साम्राज्य में 10 वर्ग के लोग जो व्यापार में निपुण होते थे उन्हें वीर पंजाल कहा जाता था, पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को बलवा कहते थे, बलवा कहते थे। नेक्स्ट, शतरंज का खेल अत्यधिक लोकप्रिय था, अत्यधिक लोकप्रिय था, तथा राजा कृष्णदेव राय इस खेल में काफी निपुण थे। नेक्स्ट, महानवमी का पर्व काफी प्रचलित था, महानवमी का पर्व काफी प्रचलित था, तथा इस पर्व में विशाल जुलूस निकाला जाता था, जिसमें राजा भी भाग लेते थे। नेक्स्ट, विजयनगर की मुद्रा को पेगोडा कहा जाता था,
पेगोडा कहा जाता था। नेक्स्ट, आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व या लगान था। लगान था। नेक्स्ट, किसानों को कृषि कार्य के लिए पट्टे पर भूमि दी जाती थी। कृषि कार्य के लिए पट्टे पर भूमि दी जाती थी जिसे कुट्टगी कहते थे। यह छात्रगण विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था जिसे आपको ध्यान रखना है। छात्रगण, विजयनगर साम्राज्य में विवाह पर कर लिया जाता था, लेकिन कृष्णदेव राय ने विवाह पर कर को समाप्त कर दिया। छात्रगण, विजयनगर साम्राज्य में विधवा विवाह पर कर नहीं लिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति विधवा से विवाह करता था तो उसे कर नहीं देना पड़ता था, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन जो सामान्य विवाह होते थे उस पर कर देना पड़ता था। छत्रगण, कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया। छत्रगण, विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा भी प्रचलित थी तथा मनुष्य के क्रय विक्रय को वेशवाग कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी आ चुका है, खरीद बिक्री को, मनुष्य के खरीद बिक्री क्रय विक्रय को क्या कहते थे छत्रगण? वेशवाग कहते थे, वेशवाग। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वालों को बलवा कहा जाता था छात्रगण, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है। छात्रगण, देवदासी प्रथा प्रचलित थी, मंदिरों में भगवान की सेवा करने के लिए जो स्त्रियां होती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था, इसे भी आपको याद रखना होगा। देवदासी प्रथा भी बहुत ही प्रचलित थी। छात्रगण, शतरंज का खेल अत्यधिक लोकप्रिय था और कृष्णदेव राय स्वयं शतरंज के खेल के एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी थे, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। छत्रगण, महानवमी का पर्व काफी प्रचलित था और महानवमी के पर्व में राजा स्वयं हाथी पर सवार होकर के निकलते थे, है ना। पूछेगा विजयनगर साम्राज्य में कौन सा पर्व अत्यधिक लोकप्रिय था? महानवमी का पर्व अत्यधिक लोकप्रिय था। तो छत्रगण, ये सारी चीजें प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ये सारे चीजों को आपको छात्रगण ध्यान में रखना होगा और एक एक चीजों को गौर करना होगा। जितने भी टर्मोलॉजी मैंने लिखाई है, जितने भी टर्म्स मैंने लिखाए हैं, सब क्वेश्चंस आते हैं छात्रगण। इसलिए विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए हर पहलू को, भू राजस्व की दर क्या थी, तो 1/6 थी, बलवा कौन थे, बेसबाग क्या था, कुटगी क्या था, सारे टर्मोलॉजी को छात्रगण याद रखिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध होगा, है ना। तो छात्रगण, ये है विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण पहलुओं का गहन और विस्तृत अध्ययन। इसके बाद छत्रगण, विजयनगर साम्राज्य के बाद बहमनी साम्राज्य की हम लोग शुरुआत करेंगे, यह भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है छत्रगण। छत्रगण, विजयनगर साम्राज्य के पश्चात हम लोग बहमनी साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। छत्रगण, बहमनी साम्राज्य आपका हेडिंग बनेगा नोट्स कॉपी में, बहमनी साम्राज्य हेडिंग बनाइएगा। हाँ, बन गया हेडिंग, लालिया हरा कलम से लिखिए। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी स्थापना की थी
इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, इसके पश्चात मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना, प्रथम शासक बना। इसके शासनकाल में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। ताजुद्दीन फिरोज ताजुद्दीन फिरोज इसके पश्चात शासक बना। इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी। इसने दौलताबाद में खगोल विज्ञान से संबंधित एक वेदशाला का निर्माण किया था। नेक्स्ट, इसके पश्चात शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम शासक बना। इसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बदलकर बीदर कर दिया तथा इसे एक नया नाम मोहम्मदाबाद दिया था। नेक्स्ट, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम प्रथम उसकी विशिष्ट गुणों के कारण संत अहमद कहा जाता है।
अहमद कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में महमूद गावां को प्रधानमंत्री बनाया गया। महमूद गावां ने बीदर में एक महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, महमूद गावां के पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद तृतीय के समय रूसी यात्री निकितन भारत यात्रा पर आया था। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य के शासक हुमायूं को उसकी क्रूरता के कारण जालिम हुमायूं एवं दक्कन का नीरो कहा जाता है। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्ला थे। इनके समय बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। जिसका वर्णन निम्न है। लिखिएगा छात्रगण, एक चार्ट बना लीजिएगा। राज्य, वंश, संस्थापक, ये चार्ट से बहुत क्वेश्चन आता है छात्रगण, इसलिए चार्ट बहुत ही जरूरी है आपके लिए। राज्य, वंश, संस्थापक लिखेंगे। बीजापुर नंबर एक राज्य का नाम लिखेंगे छात्रगण। वंश का नाम लिखेंगे छात्रगण आदिल शाही।
आदिल शाही। संस्थापक का नाम लिखेंगे यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट लिखेंगे छत्रगंज, अहमदनगर, अहमदनगर राज्य का नाम लिखेंगे छत्रगंज। वंश लिखेंगे निजाम शाही, निजाम शाही। संस्थापक का नाम लिखेंगे मलिक अहमद, मलिक अहमद। नेक्स्ट गोलकुंडा, तीसरा नंबर राज्य का नाम लिखेंगे छत्रगंज, गोलकुंडा। वंश का नाम लिखेंगे कुतुब शाही, कुतुब शाही। कुली कुतुब शाह, संस्थापक का नाम लिखेंगे कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट लिखेंगे राज्य का नाम, चौथा राज्य बीदर, बीदर। बरीद शाही, बरीद शाही। संस्थापक का नाम लिखेंगे अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद, बरीद। नेक्स्ट बरार, अगले राज्य का नाम लिखेंगे बरार, बरार। वंश का नाम लिखेंगे इमाद शाही, इमाद शाही। संस्थापक लिखेंगे इमाद शाह, इमाद शाह, शाह। तो ये है छत्रगंज, बहमनी साम्राज्य और उससे जुड़े हुए विविध तथ्य जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आपको पूछे जाएंगे। क्या सवाल आएंगे छात्रगण, गौर कीजिएगा। पूछेगा बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, 1347 में बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी, प्रथम राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। गुलबर्गा की स्थापना किसने की थी? इसी ने की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने। छत्रगण, गुलबर्गा का नाम इसने अहसानाबाद रखा था, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रगण, दूसरी बात जो आपको गौर करनी है उसे याद रखना होगा और मनन करना होगा, बहमनी साम्राज्य के किस शासक को संत या शाह वली कहा जाता था? सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को कहा जाता था, अहमद प्रथम को। उसके व्यक्तित्व में निहित अच्छे गुणों के कारण संत अहमद या शाह वली कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य के किस शासक को जालिम या दक्कन का नीरो कहा जाता था? छत्रगण, बहमनी साम्राज्य के शासक हुमायूं को जालिम या दक्कन का नीरो कहा जाता था, क्योंकि यह बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए से यह कहा जाता था। छत्रगण, मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में महमूद गामा उसका प्रधानमंत्री था, जिसने बीदर में महाविद्यालय और शिक्षण के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए पूछेगा, बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? महमूद गामा ने करवाया था, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रगण, पूछेगा बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? कलीमुल्ला। कौन थे छत्रगण? कलीमुल्ला थे, इसे भी आपको ध्यान रखना मनन करना होगा। पूछेगा कलीमुल्ला के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य जो है वह पांच भागों में विभाजित हो गया। ये पांचों भागों यानी पांच राज्यों में विभाजित हो गया। ये पांच राज्यों के नाम, उनके वंश के नाम और संस्थापकों के नाम कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं छत्रगण, है ना। तो चाहे वह अहमदनगर हो, संस्थापक मलिक अहमद हो, वंश का नाम निजाम शाही हो, गोलकुंडा कुतुब शाही हो, वंश का नाम कुली कुतुब शाह संस्थापक हो, बीजापुर आदिल शाही हो,
यूसुफ आदिल शाह संस्थापक हों, बरार इमाद शाही हो इमाद शाह संस्थापक हों, बीदर बरीद शाही हो अमीर अली बरीद संस्थापक हों, क्वेश्चन आता है छात्रगण, दे देगा खंडका को खंडका से मिलान करें, खंडका में पांच राज्य का नाम दे देगा छात्रगण, अहमदनगर बीजापुर बीदर बरार गोलकुंडा, है ना, खंडका में दे देगा राजवंशों का नाम। अब लेगा गंगा जमुना को मिलाइए तो छात्रगण, जब तक आप नहीं जानिएगा कि कौन कौन से राजवंश थे तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे, इसलिए आपको राजवंशों के नाम याद रखने होंगे, राजवंशों के नाम आपको किसी भी हाल में याद रखने होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए आपको उस पर पैने निगाह रखनी होगी छात्रगण। दूसरी बात, संस्थापकों के नाम का भी याद रखता है, खंडका को खंडखा से मिलान करें, पांच राज्य का नाम इधर दे देगा छात्रगण, गोलकुंडा बीदर अहमदनगर बीजापुर बरार, और खंडखा में दे देगा संस्थापक का नाम, बोलेगा गंगा जमुना को मिलाइए तो। तो छात्रगण जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आपसे इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए छात्रगण आपको बहमनी सम्राट से जुड़े हुए हर पहलू, अलाउद्दीन हसन बहमन शाहरुख हसन गंगू ने 1347 में दक्षिण भारत में इस राज्य की स्थापना की थी, उस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, से लेकर के कलीमुल्ला तक के सफर को जानना तो होगा ही, साथ ही साथ कलीमुल्ला जो कि अंतिम शासक था बहमनी साम्राज्य का, उसके समय बहमनी साम्राज्य पांच भागों में जो विभक्त हो गया उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल्स जानना होगा छात्रगण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। किसे संत अहमद या शाह वली कहा जाता था, सियाहबुद्दीन अहमद प्रथम को कहा जाता था, है ना, किसने किसे जालिम या दक्कन का नीरो कहा जाता था, तो हुमायूं को कहा जाता था, जालिम या दक्कन का नीरो कहा जाता था। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो महमूद गावा ने बीदर में महाविद्यालय की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन भी छात्रगण आ चुका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गावा के पत्रों का संग्रह क्या कहलाता है, तो रियाजुल इंसा कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और याद रखना होगा, है ना। तो छात्रगण आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, पुनः अगली कक्षाओं में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद, और सदा आप लोग खुश रहें मस्त रहें बिंदास रहें और जीवन में सुख शांति का अनुभव करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।